नीलम्स कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, तो आइए बनाना शुरू करें। 1.5 कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा, 1 कप घी, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 बारीक कट्टी हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कट्टा हरा धनिया और 3 कप पानी। अब आटा, मैदा, नमक और अजवाइन डालकर अच्छे से मिला ले। अब इसमें हरी मिर्ची, धनिया डालकर मिलाएं। अब 2 छोटी चम्मच घी डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। पानी हल्का गुनगुना ले। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ ले। इतना आटा लगाने में 2 कप पानी लगा है। अब आटे पर थोड़ा सा घी लगाकर गूंथ ले। इसे गीले कपड़े से लपेटकर 15-20 मिनट के लिए रख दे। आटा सेट हो गया है। अब थोड़ा सा घी लेकर इसे 5-7 मिनट तक और गूंथे। मीडियम फ्लेम पर तवा गर्म रखें। फिर आटे की थोड़ी मोटी लोइयां बना ले। अब इन्हें ढककर रख ले। 1 लोई लेकर मोटी रोटी बेल ले। इस पर एक तरफ 1 छोटी चम्मच घी फैलाएं। अब इस पर सूखा आटा छिड़क ले। दोनों को अच्छे से सेट कर ले। इसकी 6-7 लंबी पट्टी काट लें। अब सारी पट्टियों को एक के ऊपर एक रख लें।
इन्हें गोल गोल रोल कर ले। फिर इसे दबाकर सूखा आटा लगाकर थोड़ा मोटा पराठा बेल ले। तवे पर घी लगाकर पराठा डालें। ये सीखे तब तक दूसरा पराठा भी इसी तरह बेल ले। दोनों तरफ घी लगाकर सुनहरा होने तक सेके। इसे दबाकर अच्छा सेक ले। पराठा बहुत लच्छेदार बना है। इतने आटे में 7 पराठे बने हैं। लच्छा पराठा तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।